बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मिस हरीम शाह सोशल मीडिया पर खुल्लम खुला छाई हुई हैं। कहीं वो मुख्तलिफ वजीरों को नंगा कर रही हैं तो कहीं पर वो खुद नंगा लेट रही हैं। ज़राए के मुताबिक आजकल मिस हरीम शाह दुबई में शेखों की खिदमात पर मामूर हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में अवान टीवी के सीनियर एंकर ने अपने ज़राए के साथ हरीम शाह से मुतालिक हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। इनका कहना है कि वजीर रेलवे शेख रशीद ने इनकी तीसरी दोस्त से निकाह मता कर रखा है। कुछ दिन पहले इसका शेख साहब से झगड़ा हुआ था तो इन्होंने शेख रशीद की कुछ वीडियोज लीक कर दी थी। हरीम शाह का नया दावा इससे भी ज्यादा खतरनाक है। बकौल इनके के ये वीडियोज तो कुछ भी नहीं, उनके पास शेख साहब की नाजेबा गंदी वीडियोज भी मौजूद हैं जो आने वाले दिनों में रिलीज हो सकती हैं। हरीम शाह कहती हैं कि शेख रशीद उनके साथ रबते में हैं, वो मामला खत्म करना चाहते हैं कुछ ले देकर। नाजरीन, इत्तलात के मुताबिक जिस लड़की से शेख साहब का ताल्लुक है वो इस वक्त लाहौर में मौजूद है। जनाबे वाला, इसी तरह हरीम शाह एक तस्वीर अपलोड करती हैं जिसमें वो किसी की गोद में बैठी नजर आती हैं मस्तियां करते हुए। उनका कहना है कि वो भी एक वजीर हैं और इमरान खान के करीबी साथी हैं। आने वाले दिनों में इसकी वजारत भी मेरी वीडियो ही की वजह से जाएगी। हरीम शाह का कहना है कि वो वजीर का नाम आने वाले दिनों में जाहिर करेंगी, मगर मुशाहिदा किया जाए तो मजकूरा शख्स को पहचानना नामुमकिन भी नहीं है। तस्वीर में मैं इनकी गोद में बैठी हूँ, ये मेरे मिशन का हिस्सा है। मिशन करते वक्त बाज दफा कई लोगों से प्रैंक होना पड़ता है, ये कहना था हरीम शाह का। मजाक करना पड़ता है, गोद में भी बैठना पड़ता है, मस्तियां करनी पड़ती हैं, मगर इन सब बातों का कोई मकसद होता है। मेरे इस सवाल पर वीडियोस लीक करके क्या आप हुकूमत गिराने जा रहे हैं के जवाब में हरीम शाह कहती हैं कि मुझे इमरान खान बहुत पसंद हैं, वो मेरे लीडर हैं। अगर वो वजीर आजम ना होते तो ये जितने वजीर बने हैं मैं इन सब के करतूत अवाम के सामने लेकर आती, मगर मैं नहीं चाहती कि इमरान खान की हुकूमत को मेरी वजह से नुकसान पहुंचे। हरीम शाह ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के अलावा इन सब वजीरों की ऐसी हरकतें मैं सामने लाऊं तो आप परेशान और हैरान हो जाएंगे। सच्ची बात तो ये है कि बहुत सी वीडियोस मैंने इमरान खान साहब की वजह से होल्ड की हुई हैं। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर हरीम शाह की वीडियोस लीक करने का दावा करने वाला भोला रिकॉर्ड से मुतालिक हरीम का कहना है कि मैं ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहती, वो सिर्फ मेरा नाम लेकर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान वापसी के सवाल पर हरीम शाह कहती हैं कि अभी तो हम चिल मार रहे हैं दुबई में, जब जी चाहेगा लौट आएंगे। हरीम शाह की चंद वीडियोस ने कई लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं, यहां तक कि सीनियर सियासतदान शेख रशीद जो बाकायदा हफ्ते को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस मरतबा वो लाहौर भी नहीं आए, अभी तक मीडिया की नजरों से भी ओझल है। नाजरीन, इस वक्त तक हरीम शाह सोशल मीडिया पर मरकज निगाह बनी हुई हैं। लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि हरीम शाह क्या करने वाली हैं। अब देखना यह है कि अगला निशाना कौन बनता है और ये बेगैरती ड्रामा आकर कब तक चलता रहेगा। ऐसी सब अंदर की बातों को सनसनीखेज इंकशाफात से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए अवान टीवी के साथ। बराए मेहरबानी अवान टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।